में जब हम शवासन में लेट के भजन करते तो बहुत सुंदर भजन की, क्योंकि उसमें शरीर एकदम आराम स्थिति में होता है ना, जैसे शयन किए हुए शवासन में। पूरी एकाग्रता मंत्र में कर लो। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज गुरुजी हमें बताएंगे कि सोते वक्त क्या हम भगवान का भजन कर सकते हैं या नहीं, हमें भगवान का भजन सोते समय करना चाहिए या नहीं। चलिए सुनते हैं स्वयं गुरुजी से। शयन में बहुत बढ़िया भजन होता है, लेकिन जिसकी वृत्ति लग जाती है, नहीं तो शयन में गए बोले बहुत बढ़िया भजन होता है, थोड़ी देर बाद खर्राटे बजने लगे, बोले क्या, बोले शवासन में भजन कर रहे, कूलर चला दिया, दरवाजा बंद, बोले भजन में है, सो गए। शयन में जब हम शवासन में लेट के भजन करते तो बहुत सुंदर भजन की, क्योंकि उसमें शरीर एकदम आराम स्थिति में होता है ना, जैसे शयन किए हुए शवासन में। पूरी एकाग्रता मंत्र में कर लो, गिनती में नहीं, केवल मंत्र में। एक एक अक्षर मंत्र के सामने दिखाई दे, बार बार चिंतन मंत्र का करो, क्योंकि अब नींद में जाना है ना, तो बिल्कुल चिंतन करते हुए जैसे हम समाधि में जा रहे हो। कब सो गए पता नहीं, तो जब अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो आप देखोगे नेत्र खुलेंगे तो वैसे ही मंत्र चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। बड़ा आनंद मंत्र चल रहा है आपको, वो आनंद जो अनुभव में आता है ना, वही तो बढ़ाता चला जाता है। सब विकारों पर विजय उसी आनंद से मिलती है। कल की चर्चा में था कि शयन के समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए, शयन के समय में इधर उधर वृत्ति न दौड़ाएं, बातचीत न करें। बिल्कुल मृत्यु के समय जैसे सावधान हुआ जाता है ना, ऐसे शयन के समय सावधान हो जाइए, फिर आपके स्वप्न अच्छे आने लगेंगे। अगर नींद नहीं आई गाढ़ तो स्वप्न आ जाएगा, स्वप्न आएगा तो बड़ा मंगल में आएगा, बड़ा आनंद स्वप्न। कभी कभी ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं कि लगता है जगे ही ना। हाँ, सुंदर सुंदर सब महापुरुषों का समागम हो रहा है, कहीं सुंदर यमुना किनारे कुंजनी कुंज में भ्रमण हो, बड़ा आनंद एक से एक। और जो भजन में रुचि नहीं दिए या जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ तो चिल्ला पड़ते हैं, ऐसे भयावह स्वप्न आते हैं, स्वप्न में भी चैन नहीं, कहीं कोई मार रहा है, कहीं कुछ, कहीं तो चिल्ला पड़ते, दैया मैया हल्ला मचाते। और भक्तजन जो जागृत में चिंतन करते हैं, स्वप्न में उसी लीला का दर्शन करते हैं, कहीं प्रभु विराजमान है, खूब आरती पूजा हो रही है, कहीं संतों की सभा है, तो कहीं उनको कुंज निकुंजों की, और कहीं वास्तविक प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, ऐसी तो बड़ी आनंदमय वृत्ति रहती है। इसलिए शयन के समय सावधान हो जाइए, शयन के समय और भोजन के समय विशेष, क्योंकि 24 घंटा का संस्कार भोजन से बनता है। जब हम भोजन प्रसाद पा रहे हो उस समय हमें विशेष सावध, कोई फालतू बात नहीं, कोई चिंतन फालतू नहीं, अंदर भगवत चिंतन करते हुए एक एक कवल पाओगे ना, तो उससे भागवती का रस बनेगा और 24 घंटा के भजन की सुरक्षा उससे हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही गुरु जी के और सुंदर प्रवचनों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। राधे राधे।